वेलकम टू आईएसएस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे और आरओ यारओ की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है सितंबर अक्टूबर के नाम से जो है घटना चक्र की मैगजीन आई है करंट अफेयर की। इस मैगजीन को आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इस मैगजीन से ये मांग के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन का लाभ आपको सीधे तौर पर होगा, चाहे आरओ यारओ हो या आपका जो है यूपी पीसीएस प्री 2024 हो। दोनों की डेट आपकी आ ही चुकी है। साथ ही टेलीग्राम का लिंक नीचे है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर लगातार आपके क्विज आ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर के क्विज हों या PYQ। मैं पूरा आपको आर ओ आर ओ का PYQ, ठीक है, और यूपी पीसीएस का PYQ फ्री में देने वाला हूँ। वहाँ पर सारे आपके PYQ वहाँ पर कराए जाएंगे। खूब प्रैक्टिस करिए ताकि PYQ का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और प्लस जो ये आपका वन लाइनर का करंट अफेयर है जो मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, इसको भी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। लगातार उसको भी पढ़ते रहिए, बार बार करिए, ताकि आपका जो स्कोर अच्छा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक दो बार सुन लीजिएगा, प्लस इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे लाभ मिलेगा, इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन का लाभ सीधे मिलेगा, और मैगजीन पढ़ जाएंगे तो लगभग 6-7 क्वेश्चन का लाभ मिल जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, क्या पूछा गया है। भारत के पहले पोर्टेबल आपदा राहत अस्पताल का क्या नाम है? इसका नाम है आपका आरोग्य मैत्री क्यूब। अगला प्रश्न है, 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 18वां, मतलब 18 नंबर। सितंबर 2023 में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सांची, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 25 से 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद में है ये, आपकी यूपी में। अगला प्रश्न है, 17 से 18 अगस्त 2023 को आयोजित पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के परिणाम को रेखांकित करने के लिए कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? गुजरात घोषणा पत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 1 सितंबर 2023 को किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो है दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, ठीक है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेफ्ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है, ये आ सकता है, NCERT वाला भी और ये भी। अगला है, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतू का नया प्रधानमंत्री किसे जो है चुना किया गया, ठीक है। तो एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति जो भी चर्चा में रहता है वो पूछता जरूर है, ठीक है। तो वनुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं फातो किलवन। अगला है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का जो है कहाँ आयोजित किया गया? ये मिलान इटली में हुआ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है बट हो रहा विदेश के अंदर, तो ये कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, पूछ सकता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। अगला है, गबन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गबन के जो अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं ब्राइस ओली गुई न्यू गुयेमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको भी मैं आपका जो है स्टार रेटिंग में, ये सब प्रश्न हो गया, इसको याद करना है, ये करना है, ठीक है। तिमोर लिस्ट याद रखना, NCERT, ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पोर्टेबल ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला 440, ये 4-5 क्वेश्चन है, बिल्कुल हाईलाइटेड सवाल है, कहीं भी आ सकता, कभी भी आ सकता, ठीक है। अगला है प्रश्न है आपका, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि 1 से 3 सितंबर 2023 को हुआ है? ललितपुर आपका नेपाल में, ठीक है। अगला है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? अक्टूबर को, ठीक है, चलिए अक्टूबर को घोषित तो किया है, बट पूछ सकता है हिंदू विरासत माह घुमा के कि भाई कौन है, तो अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने ये काम किया है, ये वो पूछ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, घुमा के भी पूछ सकता है यहाँ पे। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ये मॉस्को रूस में हुआ है। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फांता थॉटम को। अगस्त 2023 की खबर है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस भारतीयों को वर्ष 2023 में मुद्रा स्फीति नियंत्रण एवं आर्थिक वृद्धि हेतु A+ रेटिंग प्रदान की गई है? ये शक्तिकांत दास जी को मिली है, गवर्नर RBI को। अगला है, किस सार्वजनिक उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को, बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न आपका।
भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इंद्रजाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न, ठीक है। अगला है कि संस्था ने ऑप्टिकली सक्रिय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नैनो कंपोजिट फिल्म बनाई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान गुवाहाटी में। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? जापान ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जान लीजिए, मून स्नाइपर इस बार आपका छप सकता है प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? गैलेक्स आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको बिल्कुल रट जाना है, ठीक है। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ठीक है। अगला है भारत का फोर मिशन, आप जानते हैं इसको अच्छे तरीके से, आदित्य L1 नाम है, ठीक है, 2 सितंबर 2023 खबर है, इसको भी आपको रटना है। पहले भारतीय मिशन फूर का अध्ययन करेगा। अगला पॉइंट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशनल ग्रिड कनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। अगला है, दैट इज ट्रांसनेशनल, सॉरी फॉर दैट कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसनेशनल ग्रिड कनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक की प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। ग्वालियर घराने से संबंधित किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? इनका नाम था मालिनी आपका राजू रकर। अगला है आपका, प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जी को मिला है, ठीक है। अगला है आपका, 43rd यानी 43वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया? ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुए हैं, 4 से 7 सितंबर को, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 को से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को, ठीक है, मजूमदार। अगला, आर माधवन के निर्देशन में बनी फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, इसका नाम है रॉकेटी द नंबी फिट, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। अगला, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी IEFF सदस्यता समिति के लिए चुने गए पहले भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है? इनका नाम है लोकेश फूजी। अगला, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की जो है आधारशिला रखी है? तो बिना मध्य प्रदेश में रखी है, नॉट इम्पोर्टेंट एज मच। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितनी वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GFTAT पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की? 31। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई में। किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण जो है प्रदान किया गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ये कमेंट करेंगे कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ठीक है, इसको आप बताएंगे कमेंट में। आगे देखते हैं, अगला है आपका, भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट नमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, शहीदों से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? वित्त वर्ष 2025-26 तक। किस राज्य के सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की जाएगी? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है आपका, ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? कन्नौज से। दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र कहां स्थापित किया जाएगा? न्योमा लद्दाख में। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? शहीद कैप्टन तुफार महाजन रेलवे स्टेशन। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहां किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? सरयू नदी में। यूपी का बेहतरीन सवाल है ये। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? चित्रकूट तुलसी जलप्रपात पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों यूपी के लिए। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां किया गया? राजभवन गांधीनगर गुजरात, आभासी रूप से हुआ है। अगला है, अमेरिका के किस शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? अगला है आपका, लुइसविले केंटकी द्वारा ये चीज घोषणा की गई है, सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 3 सितंबर को। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो लगातार प्रश्न बन रही है और पूछी जाएंगी। अगला है आपका,
किस परिवहन विमान को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में आयोजित समारोह में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? इसका नाम है, आप इसको रटेंगे अच्छे तरीके से, इसका नाम है C-295KMW। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? IIT बॉम्बे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? भारत बना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, नासा के किस टेलीस्कोप ने एक जो है बाह्य ग्रह K2-18b पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की उपस्थिति की खोज की है? जेब वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है, ठीक है, घुमा के पूछ सकता है, ठीक है, तो घुमाने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम जनरली हमें याद ही रहता है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? ये धूमकेतु है, ए रेयर ग्रीन कॉमेट। किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM दैट इज Minuteman III का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये आपकी मंडली बुद्ध प्रसाद को। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? लीना कुमार। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? संजय कुमार मिश्र को, प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सितंबर 2023 में कौन सी टीमें 132वें डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता बनी है? मोहन बागान सुपर ज्वाइंट। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का वर्णन किया है? न्यू अमरावती स्टेशन। भारत की पहली 4K एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? अप्पू, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। अमेरिका ने किन देशों के साथ पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? जापान, दक्षिण कोरिया और इसमें अमेरिका तीनों शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य है? 10वां सदस्य है। पहले RICS यानी रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स साउथ एशिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस सम्मानित किया गया? सुभाष रूनवाल को। लोकतंत्र की अथक लड़ाई के लिए किसने स्वीडिश अधिकार पुरस्कार यानी स्वीडिश राइट्स प्राइज जीता है? इनका नाम है स्वेतलाना तिखानोवास्काया, ठीक है। अगला आपका, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलेशन यानी RECEIC की शुरुआत कहाँ से की गई है? चेन्नई से की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? 500 रुपए कर दी, ठीक है। भारत द्वारा खदान का पता लगाने के लॉन्च किए गए स्वायत्त अंडर वाटर वाहन का नाम क्या है? नीराक्षी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए किन देशों में रूबेला उन्मूलन की घोषणा की गई? भूटान एवं तिमोर लिस्ते में। तिमोर लिस्ते में एक प्रश्न और हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, इंपॉर्टेंट है, तिमोर लिस्ते चर्चा में है तो बनेगा प्रश्न। भारत ने कौन सी मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी यानी सबमरीन जो है विकसित की है? इसका नाम Matsya 6000, ठीक है, Matsya 6000 इसका नाम है सबमरीन का। अगला है अगस्त 2023 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK के संसद द्वारा महिला आइकॉन पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर को। ओडिशा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? विद्युत रंजन फारंगी, नॉट एज मच इम्पोर्टेंट। अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? जय सैनी को। पर 2023-24 हेतु ICAI भारतीय लागत लेखागार संस्थान की दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दिव्या अभिषेक को। अगला है आपका, किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? शंकरी चंद्रन। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? अयोध्या में। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके एक नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। अगला है, अगस्त 2023 में भारत NCAP कार्यक्रम की शुरुआत की गई? भारत NCAP क्या है? नई कार का मूल्यांकन कार्यक्रम है। अगला है आपका, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए सरकार द्वारा कौन सा मानक अधिसूचना किया गया है? हरित हाइड्रोजन मानक, ठीक है। आगे चलते हैं,
अगला है, भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता दी गई है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े आलौड़ीकरण संत की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पेरूर तमिलनाडु में। डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? गुवाहाटी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय NMML का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। अगला है, सरकारी अस्पताल में मुक्त IVF सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गोवा। अगला है, हाल ही में भगत ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। वर्ष 2024 में राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की शिखर बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? समोवा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, समोवा करने जा रहा है। अगस्त 2023 में बर्नार्डो अरेवालो किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति चुने गए। इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2024 में पदभार लेंगे तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला आपका है, श्वेता थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड के। अगला है, किस प्रसिद्ध मस्जिद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव यानी मार्गदर्शन रोबोट का अनावरण किया गया है? ग्रैंड मस्जिद मक्का में। भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का क्या नाम दिया गया है? CSIR प्राइमा ET11। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार सम्मानित किया है? राज चेट्टी को। पहले स्वायत्त मार्क टू माउंटेन रडार को कहाँ शामिल किया गया है? भारतीय थलसेना में। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका जो है चोरजो पोलैंड में। नमो 108 किसकी एक प्रजाति है? कमल पुष्प की। आगे बढ़ते हैं, हाँ, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, HE 1005-1439 नामक अनोखे तारों की जो है तारे की खोज किसके द्वारा की गई है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा। भारत की पहली लॉन्ग रेंज लंबी दूरी साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल। अगला है, मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये तमिलनाडु में। अगला है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध जो है निदेशक किसे नियुक्त किया गया? परमिंदर चोपड़ा को, ठीक है, परमिंदर चोपड़ा जी को। अगला है, भारत के पहले चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही? स्पेन महिला टीम। भारत के पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का अनावरण कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ? इंदौर को। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? प्रोफेसर KBJ राघवन। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? 18 अटल आवासीय विद्यालय बनेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में श्री हनुमान लोक का गठन किया है? छिंदवाड़ा में। आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन सी है? गीतिका श्री वास्तव। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है? टोटल 6 हैं आपके, वो 6 कौन कौन से? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। इंपॉर्टेंट है, ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन से रूसी विश्वविद्यालय ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU मेरठ में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित किया है? मिनिन निजनी नोगोरेड स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, मेरठ में ये आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2023 में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का गठन किया है? ईरान ने। किस देश ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की? श्रीलंका ने। विश्व पर्यावरण सुविधा GEF की 7वीं असेंबली में की मेजबानी किसके द्वारा की गई? वैंकूवर कनाडा द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जात विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कैलिफोर्निया। अगला है, बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण किस विमान के से किया गया? हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा। किस देश के प्रधानमंत्री
ने बिना शुक्राणु अंडाणु तथा निषेचन के विश्व का प्रथम भ्रूण विकसित किया है। इजराइल ने किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल खोला गया? केरला में। देश के पहले एआई स्कूल का नाम क्या है? शांतिगिर विद्या भवन। किस कंपनी के सहयोगात्मक कार्य के लिए अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया है? ठीक है, दैट इज एप्ट्रॉनिक। भारत का पहला कार्बन निगेटिव जो है गैरिफन कौन बना है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस किस गांव का जारी किया गया? मायम गोवा का गांव है। भारत के पहले जो है सेलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर यानी SCR का निर्माण जो है किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा यानी BHEL। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी, हाँ, हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने किस अनियमित आकाशगंगा की छवि खींची? EFO 300 से लेके 16। अगला है शोधकर्ताओं द्वारा विकसित जेमिनी यानी जीनोम वाइड म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेसिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर क्या है? ये नवीन रक्त परीक्षण तकनीकी है। विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोटिक पायलट का नाम क्या है? पिबोट। किस देश ने विश्व का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का अनावरण किया है? भारत ने। किस राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव जी को NGT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है NGT कब आया था, ये बेसिक फैक्ट भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आ सकता है। अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक किसने लिखी है? विपुल रखी ने। मिस अर्थ इंडिया 2023 खिताब किसने जीता? प्रियन सेन ने। डॉक्टर सोनाली घोष को किस राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक नियुक्त किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में थी ये। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? उमेश रेवंकर को। कौन सा देश अक्टूबर 2023 का प्रथम ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत करने जा रहा है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। अगला है कौन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? नीरज चोपड़ा जी लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। किस भारतीय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीता? प्रणय HF। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का जो है कहाँ पर बनने जा रहा है, कहाँ स्थापित किया गया है? यह हैदराबाद तेलंगाना में। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद पूरी रहेगी कि इन प्रश्नों में से कम एटलीस्ट 5+ प्रश्न आपको यहाँ से सीधे देखने को मिले। बाकी इसकी पूरी मैगजीन ले लीजिएगा, ठीक है, उसकी रिव्यू भी मैं कर दूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा मैगजीन में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे कवर करना है। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लगातार कुछ आएंगे, बहुत ज़्यादा लाभ आपको होगा। ठीक है, वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।